नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन अजाक का सम्मान समारोह। जिला शाखा का नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी सम्मान समारोह एवं जिला वार्षिक अधिवेशन हमीर सर्किल स्थित एक मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। आजाद के जिला अध्यक्ष योगेश जेलिया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक सत्यवीर सिंह एवं अध्यक्षता जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने की। योगेश जेलिया ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित करके। इस अवसर पर प्रवक्ता राम सिंह जाटव ने आज आपका परिचय व संघ के द्वारा किए जा रहे समाज हितैषी कार्यों से सदन को अवगत कराया। मुख्य अतिथि सत्यवीर सिंह व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने समाज को भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने को कहा। इस अवसर पर चयनित 110 प्रतिभाओं को अतिथियों ने भगवान बुद्ध की तस्वीर एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूरणमल बेरी, डॉक्टर भूदेव वर्मा, तहसीलदार सुरेश नारायण बेरवा, सिया राम बेरवा, उपनिदेशक कृषि अमर सिंह, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी राम खिलाड़ी बेरवा, सैकड़ों अतिथि उपस्थित थे। सवाईमाधोपुर जिला ब्यूरो, महेश सोनी की रिपोर्ट। सर, आज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन अजाक सवाईमाधोपुर के द्वारा अभी हाल ही में विगत तीन वर्षों में सरकारी सेवाओं में जो प्रतिभाएँ आई हैं अनुसूचित जाति की, उनके उपलक्ष्य में, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अलावा कोविड में जिन अदम्य साहस का जीवन के परवाह न करके जिन्होंने अनोखा काम किया है, उन प्रतिभाओं का भी, समाज सेवियों का भी यहाँ सम्मान किया गया है। और हमारा मकसद है कि अनुसूचित जाति के जो अन्य या जितनी भी इकाइयाँ हैं, हम लोग जितनी भी शाखाओं में बटे हुए हैं, सब एक मंच पर आए। और आज सवाईमाधोपुर के ज़िले के इतिहास में ये हमने दिखाया भी है, ऐतिहासिक सफलता मिली है कि आज अनुसूचित जाति समाज के समस्त जिलाध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति सभी पधारे। और सबसे बड़ा सम्मान हमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय साहब और हमारे IG साहब और प्रदेश की जो टीम है सभी का मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।